साथियों नमस्कार, एक बार फिर आपके बीच डॉक्टर जितेंद्र कुमार, फार्मासिस्ट ट्रेनिंग मास्टर। साथियों, बहुत से विद्यार्थी हमारे यूट्यूब चैनल पे क्वेश्चन करते हैं, क्वेरी करते हैं, मैं उसका आंसर जरूर देता हूँ। साथियों, इजी स्टडी फार्मेसी हमारा यूट्यूब चैनल है। डी फार्मा, बी फार्मा या मेडिसिन से रिलेटेड या कैरियर से संबंधित किसी तरह की क्वेरी है, आप भी पूछ सकते हैं। साथियों, जो भी विद्यार्थी डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा कॉलेज या इंस्टीट्यूट से कंप्लीट करके हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करने जो आते हैं, 3 मंथ की जो हॉस्पिटल की ट्रेनिंग होती है, 90 डेज की ट्रेनिंग होती है, 500 आवर्स की ट्रेनिंग होती है, तो वो जो ट्रेनिंग करते हैं, मैं उसका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, मैं उनको सिखाता हूँ। साथियों, मैं सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दूंगा। माई सेल्फ जितेंद्र कुमार, मैं एक गवर्नमेंट फार्मासिस्ट हूँ। साथियों, जो भी विद्यार्थी हॉस्पिटल की ट्रेनिंग करते हैं, बी फार्मा, डी फार्मा, मैं उनका ट्रेनिंग मास्टर हूँ। साथियों, एक विद्यार्थी ने हमसे क्वेश्चन किया है कि डी फार्मा इंटर्नशिप के बारे में सर बताइए, कितने दिन की होती है, कितने दिन करनी होती है, कहाँ से करना है, क्या क्या सीखने को मिलेगा, साथ ही कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। साथियों, क्वेश्चन बहुत बड़ा है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है इन्होंने जो पूछा है। साथियों, हमने कई और वीडियो बनाए भी हैं पहले, उसमें हमने बताने की कोशिश की है। लेकिन साथियों, आप इस तरह से अगर क्वेश्चन करेंगे तो मुझे क्या होता है, उसके बताने में खुशी होती है और मुझे एक मतलब हैप्पीनेस होती है। साथियों, मैं विद्यार्थियों के लिए डी फार्मा या फार्मासिस्ट या अपने संवर्ग के लिए मैं कुछ भी करता हूँ तो मुझे एक इंट्रोस्पेक्शन, आत्ममंथन, एक जो है अपनी जो है क्या होता है कि खुशी मिलती है। साथियों, जो विद्यार्थी ने पूछा है कितने दिन करनी है, कहाँ से करना है, क्या क्या सीखने को मिलेगा और कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, तो साथियों मैं यही बताऊंगा कि साथियों कि डी फार्मा डी कंप्लीट करके कॉलेज से आप चलते हैं या इंस्टीट्यूट से चलते हैं, जो 2 ईयर का कोर्स है, 3 मंथ हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी है, वो बहुत ही कंपलसरी है। अगर ये हॉस्पिटल ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन के लिए जब जाएंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन होने में दिक्कत होगी। साथियों, होता क्या है कि जहाँ भी रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, PCI होती है, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होती है, हर स्टेट में उसका ऑफिस होता है। जैसे कि उत्तर प्रदेश की राजधानी कैपिटल जो है लखनऊ है, लखनऊ में भी इसका ऑफिस है, हर स्टेट में होती है। साथियों, 3 मंथ की हॉस्पिटल की ट्रेनिंग है जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही होती है, कुछ स्टेटों में है जहाँ पर मेडिकल स्टोर भी होती है, तो उस हिसाब से उन्होंने ऑर्गेनाइज कर रखा, जैसे केरला है या 1-2 और स्टेट हैं, अब वहाँ पे भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्रेनिंग होने लगी है। लेकिन हमारे यूपी में बहुत पहले से हॉस्पिटल की ट्रेनिंग हो रही है साथियों, और डी फार्मा बी फार्मा में पहले हॉस्पिटल की ट्रेनिंग नहीं होती थी, इंडस्ट्री की होती थी, लेकिन अभी डी फार्मा की भी 45 डेज की, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 30 डेज की जो है हॉस्पिटल ट्रेनिंग होती है। साथियों, कितने दिन करनी है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद जब भी आप हॉस्पिटल में आते हैं, आपको 3 मंथ की हॉस्पिटल ट्रेनिंग करनी है, उसमें सभी कुछ मेडिकल ड्यूटी आपको संपादित करनी होती है, जहाँ पे भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जो है क्या करते हैं कि ड्यूटी कर रहा होता है। साथियों, डी फार्मा जो होता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, वो क्लिनिकल में मैप होता है और दवा का रखरखाव, दवा का वितरण, दवा का डिस्ट्रीब्यूशन और दवा की डोज तक की बताने का काम फार्मासिस्ट का है। डॉक्टर सिर्फ प्रिस्क्राइब कर देगा, बड़े पर्चे पे एक स्लिप दे देगा और वहाँ पे फार्मेसी में जो बैठे फार्मासिस्ट हैं वो जो है दवा को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मरीज को और उसको डोज बताएंगे कि कौन सी दवा कितने टाइम खानी है। साथियों, मॉर्निंग की जो शिफ्ट होती है उसमें जो है बहुत तरह की OPD होती हैं, जैसे स्किन डॉक्टर होता है, पीडियाट्रिशियन डॉक्टर होता है, वो अपने हिसाब से दवाइयाँ लिखता है, डेंटल का डॉक्टर होता है, गायनेकोलॉजिस्ट होता है, मेडिसिन भी लिखते हैं, टिटनस का इंजेक्शन भी लगाते हैं, मतलब मरीज को लगाने के लिए लिखते हैं, तो सभी लोग जब दवा लिखते हैं तो वो OPD में जाता है, वहाँ पे दवा का वितरण फार्मासिस्ट करता है और उसकी डोज भी बताता है और इंजेक्शन भी लगाने का काम फार्मासिस्ट का ही है। इसीलिए आप कहीं भी हॉस्पिटल फार्मासिस्ट में गवर्नमेंट में जाएंगे, आपको इंजेक्शन रूम एक मिलेगा, उसका इंचार्ज हमेशा फार्मासिस्ट होता है और उसमें क्या होता है कि बहुत तरह के इंजेक्शन होते हैं, उनका रखरखाव और रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन सभी कुछ मतलब फार्मासिस्ट को बताते हैं और कैसे लगाया जाता है, सब कुछ हम सिखाते हैं। तो साथियों, एक तो क्लियर हो गया कितने दिन में करनी है, मतलब 500 आवर्स होती है, कहने का मतलब है 3 मंथ की ट्रेनिंग होती है,
साथियों इसमें होता क्या है कि सभी जगह ड्यूटी बदल बदल के लगती है साथियों। जैसे आप जिस अस्पताल में जहाँ पे जैसी ड्यूटी होगी, जैसे कि हमारे अस्पताल में क्या है 100-बेड हॉस्पिटल है, संयुक्त चिकित्सालय है, CMS यहाँ पे खुद उपस्थित है, हर तरह के डॉक्टर हैं, तो उसमें मेन OPD होती है। मेन OPD में हर तरह के डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन आते हैं, उसमें दवा को देना है, दवा की डोज के बारे में बताना है, दवा का रख रखाव डिस्ट्रीब्यूशन, इंजेक्शन रूम है, इंजेक्शन जिस तरह के लिखे जाते हैं उसमें रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ इंजेक्शन और इंजेक्शन का उपयोग क्या है, जैसे डाइक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन है वो कैसे लगता है, IM ही लगता है, बहुत रेयर केस में जो है IV लगता है, तो उस इंजेक्शन पे मेंशन होता है कि IV यूज आल्सो, अदरवाइज IM ही लगता है। तो साथियों बहुत तरह के इंजेक्शन वो सिखाते हैं। साथ ही साथ क्या होता है कि जैसे इमरजेंसी ड्यूटीज लगती हैं, इमरजेंसी ड्यूटीज में मेडिको लीगल की ड्यूटी संपादित करते हैं हम लोग, जो पुलिस के यहाँ कोई कंप्लेन करता है उसकी FIR लिखी जाती है, FIR लिख के उसको मेडिकल कराया जाता है कि कहीं पे चोट तो नहीं है, क्योंकि उसको कोर्ट में पेश करने से पहले जज पूछता है कि आपको पुलिस ने मारा तो नहीं है, किसी ने मारा तो नहीं है, इसलिए अगर पहले से कहीं पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, जो भी चोट है उसका मेडिकल एग्जामिन होता है, उसका मेन डॉक्टर होता है, डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट असिस्ट करने के लिए बैठा होता है, कितने सेंटीमीटर चोट लगी है, कहाँ पे लगी है, कौन से पार्ट में लगी, सभी कुछ लिखने में हेल्प करता है। उसके बाद क्या होता है, इमरजेंसी में जो है बहुत तरह के सडन केस आते हैं, जैसे एक्सीडेंटल केस है, डॉक्टर के साथ फार्मासिस्ट होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट देने का काम फार्मासिस्ट का है, पहले उसको जैसे जैसे डॉक्टर कहेंगे वैसे इंजेक्शन लगाना है, कौन सी दवा दी गई, क्यों दी गई, सभी कुछ हम सिखाते हैं, BP कितना है, SpO2 कितना है, ठीक है, उसी तरह से सब कुछ जो है उसको जो है 3 शिफ्ट होती हैं साथियों इमरजेंसी ड्यूटीज़ में। मॉर्निंग की शिफ्ट होती है 8 to 2 PM होती है, दोपहर की शिफ्ट होती है 2 to 8 PM होती है, नाइट की 8 PM to 8 AM मॉर्निंग तक ड्यूटी होती है। तो साथियों अगर संडे को अगर आप आते हैं इमरजेंसी ड्यूटी करते हैं तो उसकी भी हम अटेंडेंस लगाते हैं, तो ऐसे जोड़ के आपको जो है 500 आवर्स पूरे करने होते हैं साथियों। और कहाँ से करना है साथियों, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ से करना है, इसका मैं आंसर ये बताता हूँ कि जहाँ पे भी फार्मासिस्ट मौजूद है, जहाँ पे भी सरकारी हॉस्पिटल है और सरकारी हॉस्पिटल में फार्मासिस्ट मौजूद है उसके अंडर में आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। जैसे CMO के अंडर में होती है CSC PSC होती है, एडिशनल CSC होती है, एडिशनल PSC होती है, उसमें क्या होता है कि वहाँ फार्मासिस्ट होता है, नर्सिंग ऑफिसर होता है, डॉक्टर होता है, CSC वैसे ग्रामीण क्षेत्र में, वहाँ पर भी आप हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कर सकते हैं, पर सत्य आपको क्या करना है, सीधे जाके फार्मासिस्ट को मिलना है, फार्मासिस्ट ही आपको सारी प्रोसेस बताएगा। व्यर्थ में आप ये ना करिए कि क्लर्क से मिलना है, CMO के यहाँ ऑफिस में जा रहा है, ये मत करिए। यू मीट योर फार्मासिस्ट, अपने संपर्क के पर्सन से मिलिए। बहुत सी तरह की क्वेरी आती है कि सर हम किससे मिलें, क्लर्क पैसे मांग रहा है, किसी तरह का पैसा नहीं पड़ता है ट्रेनिंग करने में। तो जहाँ पे भी सरकारी फार्मासिस्ट मौजूद है, संयुक्त चिकित्सालय है, जिला अस्पताल है, महिला चिकित्सालय है, CSC PSC है, और जो है क्या कहते हैं ग्रामीण क्षेत्र का हॉस्पिटल है, शहरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, जहाँ पे भी सरकारी फार्मासिस्ट है वहाँ से आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। क्या क्या सीखने को मिलेगा साथियों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जैसा कि हमने अभी सडन बताया था, जहाँ पे जैसी सुविधा होगी वहाँ पे वैसा सीखने को मिलेगा। जैसे हमारे अस्पताल में क्या है कि आपको इमरजेंसी ड्यूटी हर तरह की संपादित होगी, उसमें आपको ब्लड प्रेशर भी नापना पड़ेगा, SpO2 भी उसका कितना है नापना पड़ेगा, इंजेक्शन भी आपको लगाना पड़ेगा, उसको क्या होता है कि कौन सी दवाई लिखी गई, सभी कुछ डॉक्टर के साथ जो है रहना है, डॉक्टर अगर एक्सरे देख रहा है तो आपको भी देखना है कि डॉक्टर साहब इसमें क्या देखा है, सभी कुछ सीखने को आपको मिलेगा साथियों। OPD में आप दवा बांटते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द मेडिसन, मेडिसिन का उपयोग क्या है उसकी डोज के बारे में बताना है, इंजेक्शन रूम में अगर आपकी ड्यूटी लगती है तो वहाँ पे इंजेक्शन कितने तरह के हैं, इंजेक्शन के उपयोग कितने हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इसका क्या है, क्यों ऐसा डॉक्टर साहब ने लिखा है, सभी कुछ। उसके बाद आपकी प्लास्टर रूम में अगर ड्यूटी लगती है तो वहाँ प्लास्टर चढ़ाया जाता है, तो आप हड्डी टूटी है उसका एक्सरा डॉक्टर देखते हैं, साथ में देखना है और उसको कैसे प्लास्टर चढ़ रहा है, प्लास्टर चढ़ाना सिखाना है। उसके बाद साथियों हमारे यहाँ चेस्ट OPD है, TB और चेस्ट फेफड़ा रोग विशेषज्ञ देखे जाते हैं और उसकी भी दवाई अलग लिखी जाती है, हर तरह की OPD है, पीडियाट्रिशियन है, पीडियाट्रिशियन की दवाई लिखी गई तो क्यों लिखी गई, इसका डोज कैसे कैलकुलेट होता है, सभी कुछ हम सिखाते हैं साथियों। इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। जब भी आपका कॉलेज या इंस्टीट्यूट से D Pharma B Pharma कंप्लीट होता है, आप वहाँ से चलेंगे तो कॉलेज या इंस्टीट्यूट आपको जो है थ्री हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर्म इशू करेगा साथियों। ये देखिए साथियों, एक हमारे पास आज विद्यार्थी आए थे, उनका फॉर्म भी है साथियों, ये देखिए लिखा है
अपेंडिक्स ई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम द फ्रॉम फार्म फॉर फार्मासिस्ट। देखिए साथियों इसमें सेक्शन वन दिया है, साथियों सेक्शन वन जो है कॉलेज या इंस्टीट्यूट जहां से आप चलेंगे वो कंप्लीट करेगा। आपका नाम क्या है, आपके फादर का नाम क्या है, आपका एड्रेस क्या है, रेसिडेंस एड्रेस क्या है, और वहां पे कॉलेज की जो है सील लगेगी और सिग्नेचर होगा जो भी उसका प्रिंसिपल है या जो भी एचओडी है जो भी हेड है उसका। उसके बाद सेक्शन टू है जो स्टूडेंट के द्वारा भरा जाएगा। साथियों ये मैं अपने सामने करा लूँगा। इसमें क्या होता है, स्टूडेंट का नाम है, अप्रेंटिस मास्टर किसके अंडर में, जैसे मैं यहाँ पे अप्रेंटिस मास्टर हूँ तो यहाँ पे डॉक्टर जितेंद्र कुमार लिखा जाएगा, और ये क्या लिखा है, कॉलेज या इंस्टीट्यूट का नाम जहाँ से आप पास आउट हो क्या है उस कॉलेज का नाम लिखा जाएगा, फिर जिस हॉस्पिटल में ट्रेनिंग करेंगे साथियों उसका नाम लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे हॉस्पिटल और फार्मेसी तो यहाँ पे लिखेंगे कंबाइंड ऑब्लिक टीबी हॉस्पिटल ठाकुरगंज लखनऊ संयुक्त चिकित्सालय, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या होगा, स्टूडेंट का सिग्नेचर होगा और यहाँ पे डेट डालेंगे जिस दिन से शुरुआत करेंगे, जैसे आज से शुरुआत किया तो आज की डेट पड़ेगी। यहाँ पे डेट जो है जब फॉर्म इशू हुआ है, इन्होंने डाली नहीं, हालांकि कोई बात नहीं मैं डाल दूंगा, अदरवाइज यहाँ पे पड़ी है 15/7/2021 को इशू हुआ है फॉर्म। जब से ट्रेनिंग स्टार्ट करेंगे यहाँ पे उसकी डेट पड़ेगी। साथियों उसके बाद सेक्शन थ्री है, सेक्शन थ्री जो है अप्रेंटिस मास्टर के द्वारा भरा जाएगा, कहने का मतलब मेरे द्वारा भरा जाएगा। साथियों इसमें अप्रेंटिस मास्टर का नाम पड़ेगा, जैसे मेरा नाम जितेंद्र कुमार, फिर विद्यार्थी का नाम पड़ेगा साथियों, फिर सभी कुछ एवरीथिंग लिखा है यहाँ पे साथियों। उसके बाद जो है क्या होगा, अप्रेंटिस मास्टर का यहाँ पे सील एंड सिग्नेचर होगा और यहाँ पे डेट पड़ेगी साथियों। ये डेट कब की पड़ेगी, जब कंप्लीट होगा साथियों, कहने का मतलब है तब की डेट पड़ेगी। फिर उसके बाद एक सेक्शन है फोर सेक्शन क्या है, आई सर्टिफाइड दैट नेम ऑफ फार्मासिस्ट, जो विद्यार्थी का नाम है जो ट्रेनिंग कर रहा है उसका नाम पड़ेगा। फिर लिखा है हैज अंडरगोस 500 आवर्स, ये देखिए लिखा है यहाँ पे 500 भर देंगे। ट्रेनिंग स्प्रेड ओवर द डेट, किस तारीख से इन्होंने स्टार्ट किया, किस तारीख को खत्म किया यहाँ पे लिखा जाएगा। फॉर ए पीरियड ऑफ 3 मंथ THREE, और जिस दिन कंप्लीट करेंगे उसकी डेट डाल देंगे यहाँ पे। हॉस्पिटल की जो है सील लगेगी, मोहर लगेगी, जो भी यहाँ के इंचार्ज हैं, जैसे कि चीफ और वो हमारे यहाँ CMS बैठते हैं, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, उनका सिग्नेचर एक होगा। और एक साथियों यहाँ पे चीफ फार्मासिस्ट की मोहर लगाते हैं हम लोग, उस पर अपने बॉस के साइन कराते हैं साथियों। ये लास्ट में 5 सेक्शन देख रहे हैं, इसमें साथियों क्या होगा, ये कॉलेज या इंस्टीट्यूट के द्वारा कंप्लीट किया जाएगा। कब, जब आप ट्रेनिंग यहाँ से कंप्लीट करके रिपीट जाएंगे कॉलेज को, वहाँ से आपको जो है आपके मार्क्स कार्ड और सर्टिफिकेट मिलेंगे। एग्जाम के बाद ये फॉर्म दिया गया तो वो यहाँ पे मिलेंगे, आई सर्टिफाइड दैट विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे मोहर लगेगी और यहाँ पे जब करनाने जाएंगे वेरिफिकेशन उस समय की डेट पड़ेगी, तो उसके बाद आप PCI में ये सबमिट कर देंगे। साथियों 3 फॉर्म मिलेंगे, जिसमें एक फॉर्म हम रख लेते हैं, एक फॉर्म जब कंप्लीट होता है कॉलेज रख लेता है, उसके बाद एक फॉर्म PCI को लेके जाना रहता है। साथियों डॉक्यूमेंट में जो है सबसे पहले हम क्या लेते हैं, 3 फॉर्म सेट लेते हैं, उसके बाद एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं प्लेन पेपर पे, आप हिंदी या इंग्लिश जो भी प्रेफर करते हैं उसमें लिख सकते हैं। जैसे कि इसमें लिखा है मुख्य चिकित्सा अधीक्षक संयुक्त ऑब्लिक TB हॉस्पिटल ठाकुरगंज लखनऊ, लिखा है व्यवहारिक प्रशिक्षण दिलाए जाने के संबंध में, या आप इंग्लिश में लिख सकते हैं हॉस्पिटल ट्रेनिंग रिगार्डिंग हॉस्पिटल ट्रेनिंग फॉर 3 मंथ। महोदय सादर अवगत कराना है कि प्रार्थी महर्षि विश्वविद्यालय लखनऊ से द्वितीय वर्ष की पढ़ाई पूरी कर ली है और चिकित्सालय में व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहता है, अतः उपरोक्त क्रम में आपसे अनुरोध है कि व्यवहारिक प्रशिक्षण की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। फिर यहाँ पे डेट डाल देंगे जिस दिन आए हैं, यहाँ पे CMS वेरीफाई कर देगा, ये भी ये कराना है साथी, क्योंकि विद्यार्थी अभी आया है, कल हम इसका कराएंगे। और यहाँ पे थैंक्स एंड रिग्रेट, या प्रार्थी का नाम जो है, विद्यार्थी का नाम, उसका मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस पूरा लिखा जाए। साथियों एक एप्लीकेशन के बाद साथियों ये देखिए कॉलेज जो है देता है, ये देखिए एक फॉर्म इस तरह का इशू करके दिया है, और उसके बाद जो है 3 फॉर्म सेट, और उसके बाद एक आधार की हम फोटो कापी लेते हैं, आधार की एक फ़ोटो कापी लेते हैं वो लगाते हैं। और उसके बाद जो है साथियों अगर आपकी ट्रेनिंग वो आप फर्स्ट ईयर की मार्क्स कार्ड है डी फार्मा का, तो वो भी आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से डॉक्यूमेंट लगते हैं साथियों। जब हम हॉस्पिटल की ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो 2 फॉर्म सेट कंप्लीट करके देते हैं, साथ ही साथ एक हम
आपने कैसा वर्क किया है, अप्रिसिएशन का एक सर्टिफिकेट भी देते हैं साथियों, अभी सर्टिफिकेट तो नहीं है। साथ ही साथ एक हम जो है क्या करते हैं, अटेंडेंस शीट देते हैं, जैसे किस किस ओपीडी में ड्यूटी लगी। साथियों ये तो मेरी अपनी, जब हमने हॉस्पिटल में ट्रेनिंग की थी, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी है आज के दिन, कभी KGMC जो है एक मतलब हॉस्पिटल चिकित्सा सेवाओं से संबंधित था, अभी ऑटोनॉमस बॉडी है लखनऊ में, वहाँ से हमने हॉस्पिटल की ट्रेनिंग की थी। इसमें देखिए सभी कुछ, एक तरफ OPD का नाम लिखा है, लिखा है फ्रॉम एंड टू, कहाँ से कितने दिन ट्रेनिंग, उसके बाद वहाँ के हाँ फार्मासिस्ट इसको वेरीफाई लिखेंगे कि आपका प्रशिक्षण कैसा रहा, गुड है, सेटिस्फाई है, कैसा है। इसे लिखा है यहाँ पे देखिए, जनरल OPD, डेंटल कॉलेज OPD, मर्चरी डिपार्टमेंट, मुर्दा घर में मैं ट्रेनिंग किया, कंबाइंड डिस्पेंसरी यहाँ पे दवा बिकती है, उसके बाद ENT की OPD, साथ ही उसके बाद स्किन की OPD, आर्थोपेडिक की OPD, सर्जरी विभाग, उसके बाद मेडिसिन की OPD, पीडियाट्रिक OPD, आर्थोपेडिक नहीं ऑप्थाल्मिक OPD, उसके बाद लिखा है कैजुअल्टी रूम, फिर उसके बाद इंजेक्शन रूम, फिर लारी कार्डियोलॉजी हार्ट की OPD, उसके बाद KCH और स्टोर, जहाँ पे मुख्य चिकित्सा औषधि भंडार है। ये साथियों इस तरह से भी एक हम अटेंडेंस का वो देते हैं, ताकि विद्यार्थी से कभी अगर कोई जॉब इंटरव्यू में जैसे जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में, कॉलेज हॉस्पिटल में, जैसे कि अपोलो है, मेदांता है, मेडिक्स है, या फिर वकर्ड है बॉम्बे में, या गुड़गांव में कोई बड़ी चैन है, तो उसमें क्या होता है कि आपने हॉस्पिटल में क्या सीखा है, तो वहाँ पे ये दिखाने के लिए बहुत ही मददगार होता है। साथियों किसी तरह की क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। साथियों हमसे जुड़ने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल है EG Study Pharmacy, चैनल सब्सक्राइब करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं, साथ ही साथ हमारा पेज लाइक कर सकते हैं फेसबुक पे EG Study Pharmacy के नाम से। साथियों आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, और साथियों मैं ये कहूँगा कि जब भी आप एडमिशन लेने जाते हैं, कोई नए विद्यार्थी हैं डी फार्मा या बी फार्मा में एडमिशन लेते हैं, किसी तरह की क्वेरी है या कुछ भी पूछना है, आप बेझिझक हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। साथियों इसी के साथ विराम देंगे, किसी तरह की क्वेरी है आप हमें जरूर कमेंट करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथियों नमस्कार।